जिस दुनिया में हम जी रहे हैं क्या वो वास्तव में है? जिस दुनिया में हम जी रहे हैं क्या वो एक कंप्यूटर सिमुलेशन है? क्या ये पूरा ब्रह्मांड केवल एक माया है? जानते हैं आज की इस वीडियो में। सिमुलेशन थ्योरी का प्रस्ताव है कि पृथ्वी और ब्रह्मांड सहित वास्तविकता के सभी पहलू वास्तव में एक आर्टिफिशियल सिमुलेशन है। सबसे ज़्यादा संभावना है कि कंप्यूटर सिमुलेशन कुछ संस्करण एक सिमुलेटेड वास्तविकता के विकास पर निर्भर करते हैं। एक प्रस्तावित तकनीक जो अपने निवासियों को यह समझाने के लिए पर्याप्त यथार्थवादी है होगी कि सिमुलेशन वास्तविक था। अब हम बात करते हैं इसके इतिहास की। 1970 में एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन जॉन हॉटन कॉनवे ने एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसे कॉनवेज गेम ऑफ लाइफ के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास में और भी पीछे देखें तो ग्रीक फिलोसोफर सुकरात का भी मानना था कि यह दुनिया असल दुनिया नहीं है। भगवद गीता में भी इसका उल्लेख है जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह संसार केवल एक माया है। तो क्या वास्तव में संपूर्ण ब्रह्मांड केवल एक कंप्यूटर सिमुलेशन है? हम अब बात करते हैं गेम ऑफ लाइफ क्या है। गेम ऑफ लाइफ एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें शुरुआत में आपको कुछ टर्म्स और कंडीशन डालने होते हैं और एक बार प्रारंभिक शर्तें यानी कि प्रारंभिक टर्म्स और कंडीशन डालने के बाद सिमुलेशन के नियमों का छोटा सा सेट चलने लगता है जिसमें कुछ पैटर्न बस थोड़े समय तक चलते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। गेम की भाषा में कहें तो वो मर जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ पैटर्न हमेशा के लिए चलते रहते हैं। आज जो भी गेम आप खेलते हैं वह इसी कंप्यूटर सिमुलेशन के प्रिंसिपल पर बना है। ऐसे गेम जिसे हम अपने इच्छा अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्या ये संभव नहीं है कि कुछ ऐसे गेम भी हों जो बहुत बड़े परिणाम दे सके? एक ऐसे सिमुलेशन जो पूरे ब्रह्मांड के आकार का हो, जो स्क्रीन पर केवल डॉट्स और पैटर्न ना हो बल्कि आकाशगंगाएं, ग्रह और जीवन के साथ एक सिमुलेशन हो। इससे भी महत्वपूर्ण बात, कहीं हम ऐसी ही किसी सिमुलेशन वर्ल्ड में तो नहीं रह रहे, या फिर यूं कहें कि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं क्या वो असली है? आज के युग में ऐसी बहुत से साइंटिफिक थ्योरी हैं जो ये साबित करते हैं कि हमारी दुनिया एक कंप्यूटर सिमुलेशन है और हम सब बायोलॉजिकल वस्तु नहीं बल्कि एक सिमुलेटेड प्रोग्राम है। ऐसे ही थ्योरी में से एक सबसे ज़्यादा विख्यात सिमुलेशन आर्ग्यूमेंट है जिसे 2003 में फिलोसोफर निक ब्रोस्ट्रोम ने रखा था। उनके प्रस्ताव के अनुसार मानव जाति एक अधिक उन्नत सभ्यता के द्वारा बनाए गए कंप्यूटर सिमुलेशन का हिस्सा हो सकते हैं। इसके अलावा स्टीफन हॉकिंग भी सिमुलेशन थ्योरी को सच मानते थे। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव रियलिटी यह आपको इसको और अच्छे से समझने में सहायता करेगी। आप किसी वस्तु को कैसे ऑब्जर्व करते हैं? आप जरूर उन्हें देखकर, छूकर या फिर अपने किसी भी सेंसेस का उपयोग करके ऑब्जर्व करते होंगे। यह आपका सब्जेक्टिव रियलिटी यानी व्यक्तिपरक वास्तविकता है जिसमें सब्जेक्ट आप ही हैं जो किसी वस्तु या चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक इसी प्रकार एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी यानी वस्तुगत वास्तविकता वह वस्तु है जिसे आप ऑब्जर्व यानी निरीक्षण कर रहे हैं। इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। अगर मैं घर के बाहर जाता हूँ और महसूस करता हूँ कि बाहर बहुत ठंड है और उसी समय आप बाहर जाते हैं और महसूस करते हैं कि बाहर गर्मी है, तो यहाँ सब्जेक्टिव रियलिटी यानी व्यक्तिपरक वास्तविकता यह है कि दो अलग अलग दिमाग, दो अलग अलग लोग एक ही वस्तु को कई तरीके से देख सकते हैं। और यहाँ ऑब्जेक्टिव रियलिटी यानी वस्तुगत वास्तविकता यह है कि बाहर या तो ठंड होगी या गर्मी। हम दोनों को ही अपने अपने ऑब्जर्वेशन को साबित करने के लिए ऑब्जेक्टिव रियलिटी को ऑब्जर्व के बिना ही ऑब्जर्व करना होगा, जो कि एक स्पष्ट विरोधाभास है। ठीक इसी प्रकार क्या कोई वस्तु तब भी मौजूद होती है जब आप उन्हें देख नहीं रहे हो? आप अपने कंप्यूटर या फ़ोन जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप जानते ही हैं कि वो एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पर एटम से बना है, लेकिन आप वास्तव में उन एटम्स को नहीं देख सकते तब तक नहीं जब तक कि आप इसके ऑब्जर्वेशन के लिए माइक्रोस्कोप उपकरण नहीं लेते। आपने गेम में भी देखा होगा कि
कुछ चीज़ें हमें तभी दिखती है जब वास्तव में उन्हें देखते हैं। तो क्या यह सच नहीं हो सकता कि हम इंसानों को भी कोई वस्तु तभी दिखती हो जब हम वास्तव में उसे देख या छू रहे हों? इस बात को थॉमस यंग ने अपने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी साबित किया है। दोस्तों, जब भी हम किसी भी वस्तु या चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे सारे सेंस ऑर्गन हमारे दिमाग को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजते हैं, जिसके आधार पर दिमाग हमें उस वस्तु का एहसास कराता है, एक निश्चित तरीके से दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण बनाने के लिए दिमाग हमारे सेंसेस यानी इंद्रियों को उपयोग करता है। इसलिए हमारे दिमाग के पास इतनी क्षमता है कि यह हमें वास्तविकता को किसी भी प्रकार से दिखा सकता है। जैसे कि हमारे सपने, जब हम सपना देख रहे होते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ वास्तव में है। हमें असल वास्तविकता के बारे में तभी पता चलता है जब हम जागते हैं। तो अब तक हमने जाना कि कैसे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव रियलिटी किसी वस्तु के होने या ना होने पर सवाल उठा सकता है। अब चलिए कुछ ऐसे सिद्धांतों यानी कि ऐसे थ्योरी को देख जानते हैं जो सिमुलेशन थ्योरी को सच साबित करती हैं। फर्मी पैराडॉक्स। फर्मी पैराडॉक्स के अनुसार जब हम ब्रह्मांड में दूर दूर तक देखते हैं तो हमें जीवन के कोई भी अन्य लक्षण क्यों नहीं दिखाई देते? क्या हम ब्रह्मांड में वास्तव में अकेले हैं या हम दूसरे ग्रहों पर जीवन खोजने में पूरी तरह से प्रयास नहीं कर रहे हैं? क्या इस विशाल ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं है जो इतनी विकसित हो कि वह हमें खोज सके और हम तक पहुंच सके? एंथ्रोपिक प्रिंसिपल। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी जीवन के लिए इतना उत्तम स्थान क्यों है? एंथ्रोपिक प्रिंसिपल कहता है कि पृथ्वी पर सब कुछ इतना सटीक क्यों है, चाहे सूर्य से इसकी दूरी की बात करें या यहाँ के वातावरण की या फिर ग्रेविटी की। क्या इन्हें ऐसा बनाया गया है? स्ट्रिंग थ्योरी। स्ट्रिंग थ्योरी से बिग बैंग के पहले के समय को समझना आसान हो जाता है और इसके अध्ययन से पता चलता है कि ब्रह्मांड में कंप्यूटर कोड्स मौजूद हैं, जिससे यह लगभग साबित होता है कि यह ब्रह्मांड एक कंप्यूटर सिमुलेशन है। सिमुलेशन चाहे कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह ही जाती हैं, जैसे कि डेजावू। डेजावू यानी कि ऐसी स्थिति जब आपको कोई स्थान या व्यक्ति जाना पहचाना लगता है जबकि आप उस स्थान पर पहले कभी गए ही नहीं और उस व्यक्ति को पहले आपने कभी देखा ही नहीं। दूसरा एग्जाम्पल है सुपरनैचुरल वस्तुएं या हमारे सपने। सुपरनैचुरल वस्तुएं जैसे भूत, प्रेत या आत्माएं, जो कि सिमुलेशन के प्रोग्राम में किसी खराबी या बग के कारण दिख सकती है। अब हम इसके मेन टॉपिक पे चलते हैं कि अगर हम एक सिमुलेशन प्रोग्राम है तो हमारा प्रोग्रामर कौन है? भगवान एक प्रोग्रामर। सिमुलेशन थ्योरी के अनुसार भगवान एक प्रोग्रामर हो सकते हैं जिसने इस ब्रह्मांड का निर्माण किया है, लेकिन सिमुलेशन थ्योरी साथ ही यह भी कहता है कि भगवान ऐसा क्यों करेंगे। हो सकता है भगवान या फिर प्रोग्रामर यह देखना चाहता हो कि कोई सभ्यता कैसे विकसित होती है। सिमुलेशन थ्योरी के अनुसार जिस भी व्यक्ति को सिमुलेशन में जीवन के अस्तित्व का पता चल जाता है, भगवान यानी प्रोग्रामर उसे प्रोग्राम से डिलीट कर देता है। उदाहरण के लिए वे सभी ऋषि मुनि जो तपस्या करते करते अपना शरीर त्याग देते हैं, या फिर वो सभी वैज्ञानिक और लोग जिनका रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है। सिमुलेशन थ्योरी के अनुसार अगर हमारी दुनिया एक कंप्यूटर सिमुलेशन है तो यह भी हो सकता है कि जिन्होंने हमारी दुनिया बनाई भी एक सिमुलेटेड वर्ल्ड में जी रहे हों। और अभी ये कहना मुश्किल है कि ये कितने सिमुलेशन पहले से चलता आ रहा है। तो अब हम बात करेंगे इसके कंक्लूजन की। मानव जाति अब तक इतनी सक्षम हो गई है कि वो किसी भी प्रकार का सिमुलेशन कंप्यूटर कोड्स और मैथमेटिकल समीकरण की सहायता से एक सिमुलेशन वर्ल्ड बना सकती है और सिमुलेशन में मौजूद सभी प्रकार के जीवों को भी। लेकिन हम इन जीवों में ऐसी प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते कि वो खुद सोचने समझने की कैपेसिटी रखते हों। इसलिए विज्ञान में हर एक थ्योरी को साबित करने के लिए उसे मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखना होता है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड को नंबर्स और समीकरण से ही समझा जा सकता है। आधुनिक युग में ऐसे बहुत से साइंटिफिक थ्योरी हैं जो यह साबित करते हैं कि यह ब्रह्मांड एक कंप्यूटर सिमुलेशन है, लेकिन अब तक ऐसी कोई भी
मैथमेटिकल थ्योरी नहीं है जो इसे मैथमेटिकल रूप में साबित कर सके। जिस प्रकार यह कहना कठिन है कि यह ब्रह्मांड एक कंप्यूटर सिमुलेशन नहीं है, ठीक उसी प्रकार यह कहना भी कठिन है कि यह ब्रह्मांड एक कंप्यूटर सिमुलेशन है। तो अगर किसी दिन किसी वैज्ञानिक ने सिमुलेशन थ्योरी को मैथमेटिकल इक्वेशन द्वारा साबित कर दिया तो उम्मीद है कि हमारा जीवन का यह खेल वह खेल होगा जिसमें हम जीत सकते। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको टाइम ट्रैवल के ऊपर भी ऐसी ही अमेजिंग वीडियो देखनी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। जल्दी से 100 सब्सक्राइबर करवा दो। मिलते हैं नेक्स्ट।